हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। गाइज, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेकआउट सीरीज के ऊपर। मेरा ब्रेकआउट सीरीज का पहला वीडियो है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट कई तरह से हो सकते हैं। चैनल ब्रेकआउट हो सकते हैं, पैटर्न ब्रेकआउट हो सकते हैं, या प्राइस ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो कई तरह से ब्रेकआउट होते हैं। तो आज हम लोग चैनल ब्रेकआउट के ऊपर बात करेंगे। चैनल ब्रेकआउट में देखिए, यहाँ पर पहला जो चैनल है इस तरह से चैनल होता है, हॉरिजॉन्टल चैनल। इसे आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, इस तरह से हो जाता है। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न भी हो जाता है, या इसको इस तरह से चैनल बोल सकते हैं। एक ही चैनल में इसी तरह इसी रेंज रहता है, छोटा सा रेंज अप साइड अप टॉप पर या बॉटम पर, इस तरह से इसी के अंदर प्राइस ट्रेड करते रहता है। इस तरह से होता है और इसी के बीच में इस तरह से प्राइस घूमते रहता है, अप डाउन इस तरह से करते रहता है। तो इसका ब्रेकआउट अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैनल होता है। इसमें समझ नहीं आता कि अप ब्रेक करेगा या डाउन ब्रेक करेगा। ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर एक ही रेंज में घूमते रहते हैं। कभी बायर अप ले जाते हैं तो सेलर इसको डाउन ले आते हैं, बायर अप ले जाते हैं सेलर इसको डाउन ले आते हैं। इसी तरह से इसी एरिया में बायर सेलर एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हैं और इसी एरिया में घूमते रहते हैं, ना तो प्राइस को ऊपर ले जा पाते हैं और ना नीचे ले जा पाते हैं। लेकिन जब भी ये अप जाता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर टारगेट देता है, और डाउन भी जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट देता है। लेकिन बात ये होती है कि हमें समझ नहीं आता कि ब्रेकआउट किस तरफ करेगा, डाउन साइड में करेगा या अप साइड में करेगा। यही प्रॉब्लम होती है, समझना बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि ब्रेकआउट किस साइड में करेगा, अप या डाउन साइड में। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ये ब्रेकआउट किस साइड में करेगा। हम अभी चैनल ब्रेकआउट के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस के ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे करना है, टारगेट क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हम कहाँ पर ट्रेड अपना एक्सिक्यूट करेंगे, ये सारे टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए अभी हम फिलहाल देखते हैं कि ब्रेकआउट किस तरह से करेगा, तो हम कहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से चल रहा है, एक ही चैनल के अंदर एक ही जगह में एक ही रेंज में बायर और सेलर एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। इस तरह से कभी अप कभी अप डाउन इस तरह से करते आ रहे हैं बायर सेलर। तो हम तो पहले यहाँ पर देखेंगे कि किस तरफ का ये सपोर्ट ज़्यादा है। अगर अप साइड का सपोर्ट ज़्यादा है या डाउन साइड का सपोर्ट ज़्यादा है, पहले हम काउंटिंग करेंगे। अगर डाउन साइड का सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा व्यू होगा कि यह डाउन साइड मूव जल्द करेगा, डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा। फर्स्ट चीज हो गया ये, फर्स्ट यहाँ पर थिंक हो गया कि जहाँ ज़्यादा इस सपोर्ट एरिया पे प्राइस ज़्यादा बार टकरा रहा है तो सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करने का चांस ज़्यादा है। ये पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि इस एरिया के सपोर्ट पर यहाँ पर मार्केट को इस तरह से रेंज क्रिएट करना चाहिए, लगभग यहाँ पर मार्केट को रेंज क्रिएट करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर कई बार इस तरह से ना तो अप जाए और ना ही डाउन जाए, तो इस तरह से यहाँ पर रेंज क्रिएट करें, एकदम छोटा सा रेंज। रेंज तो ये भी है लेकिन ये चैनल है, थोड़ा सा बड़ा गैपिंग है, लेकिन ये रेंज ये छोटा सा एकदम मिनिमम रेंज होना चाहिए, एकदम बहुत ही छोटा रेंज होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक 500 के है तो उसका रेंज 1 रुपये के अंदर घूमना चाहिए, 1 पॉइंट के अंदर घूमना चाहिए। इस तरह से एकदम छोटा सा रेंज होना चाहिए। तो इस तरह से अगर रेंज अगर बॉटम पर बनाता है, सपोर्ट एरिया के पास बनाता है, तो इसका ब्रेकआउट करने का चांस ज़्यादा होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर ये टॉप पर यानी कि रेजिस्टेंस के पास इस तरह से प्राइस रेंज क्रिएट कर रहा है, इस छोटे से रेंज में इस तरह से घूम रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर छोटे से रेंज में प्राइस घूम रहा है, तो अपसाइड का ब्रेकआउट करने का चांस ज़्यादा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग पैटर्न है, जो नेक्स्ट चैनल है वो नेक्स्ट चैनल इस तरह से हो सकती है। ये जो चैनल है
ए डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। इस तरह से ए डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है और इसी के बीच में प्राइस इस तरह से घूमते रहता है, इस तरह से अपसाइड ये लगता है, डाउन तो आता है लेकिन एक चैनल के अंदर होता है, तो इसका ब्रेकआउट अप करने का चांस ज़्यादा होता है। इस चैनल को ब्रेकआउट अप की तरफ ज़्यादा होता है क्योंकि ये धीरे धीरे इस तरह से डाउन आता है ना, तो इसका ब्रेकआउट अप साइड में करने का चांस ज़्यादा होता है और डाउन साइड में कम, लेकिन कभी कभी ये डाउन साइड में भी ब्रेकआउट करता है। तो सेम यहाँ पर भी वही रूल होता है कि पहले हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट प्राइस रिजेक्ट किया है या सपोर्ट के पास ज़्यादा यहाँ पर प्राइस टकराया है। तो हम पहले काउंट करेंगे जिसके पास ज़्यादा समय व्यतीत करेगा सपोर्ट के पास, इस तरह से। और फिर दूसरा जो बात होती है कि अगर इस रेंज सपोर्ट के पास इस तरह से रेंज क्रिएट करती है तो वो डाउन साइड में फिर से ब्रेकआउट करेगा। जब ये ब्रेकआउट करेगा ना तो इसका टारगेट भी बहुत बड़ा होता है, ये जितना का इसने चैनल बनाया है जितने पॉइंट का उतना पॉइंट का डाउन साइड में टारगेट होता है। और अप साइड में भी सेम वही कि अगर यहाँ पर ज़्यादा कंसोलिडेशन किया इस तरह से तो इसका भी ब्रेकआउट जब अप साइड में होगा तो इसका टारगेट इस पॉइंट तक होता है। ये दूसरी वीडियो में मैं आप लोग को लाऊंगी, बताऊंगी कि कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट इसका क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ब्रेकआउट को देखिए। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है कि अगर इस तरह से आ रही है डाउन साइड में लगातार चैनल इस तरह से बन रहे हैं इस तरह से, तो अगर अप साइड में यहाँ पर रेंज ज़्यादा क्रिएट करेगा तो अप साइड को मूवमेंट ब्रेकआउट करेगा, और अगर डाउन साइड में इस तरह से ज़्यादा रेंज क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है इसी एक ही रेंज में, छोटा सा रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है तो डाउन साइड को ब्रेक करेगा और इसका टारगेट बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट चैनल है जो इस तरह का चैनल होता है, ये अप ट्रेंड को दर्शाता है, ये अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है इस तरह से। यहाँ पर प्राइस अप साइड तो जाता है लेकिन इस तरह से एक रेंज में इस तरह से बिहेव करते रहता है। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है कि अगर इसके यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड में ब्रेकआउट करने का ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन सिचुएशन यहाँ भी वही है कि अगर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है सपोर्ट एरिया के पास में, इस तरह से टाइम स्पेंड करता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो ये ब्रेक डाउन करेगा, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के पास ऐसे से टाइम स्पेंड कर रहा है, ज़्यादा छोटे से रेंज में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो ये अप साइड का मोमेंटम करेगा, और जब भी ये ब्रेकआउट करता है तो इसका टारगेट बहुत ही बड़ा होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन। मैं नेक्स्ट आप लोगों को इसके टारगेट कहाँ रखना है, एंट्री कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इस सारे पॉइंट पर आप लोगों को मैं वीडियो बना कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट।